दुनिया भर के अंदर एनर्जी के क्राइसिस आए, उन क्राइसिस से लड़ने की हमारे पास बिल्कुल भी सकत नहीं थी। अब आप ये देखें कि सरमायाकारी जैसे केई का एक ये 7 ईयर्स का प्लान है, मुझे उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ लगती है वो ये लगती है कि केई ने 30% जो है अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। सारी दुनिया इस वक्त हाइड्रल, सोलर, विंड और इस तरह की एनर्जी की तरफ जा रही है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल और जो पेट्रोलियम से जो हम बिजली बनाते हैं फर्नेस से, या हम जो बनाते हैं अपने डीजल से, ये बिजली जो है बहुत महंगी है। सस्ती बिजली, रिन्यूएबल बिजली का जो इम्पैक्ट जो है, जैसे कि केई के प्लान में डिस्क्राइब किया गया है कि वो इम्पैक्ट जो है वो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी से कई गुना कम होगा। और जाहिर सी बात है, जब केई को वो रिन्यूएबल एनर्जी का फ़ायदा आएगा तो वो फ़ायदा आगे जाके केई के कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को भी आएगा।